निकले हैं दिल्ली के लौंडे लगाने तड़का यूनिक, किसी की होगी वाह वाह पर किसी को मिलेगा क्रिटिक। जो ना कर पाए कुकर का प्रेशर कंट्रोल, निभाना पड़ेगा उसे रावण का रोल। हद कर दिया यार रोहित ने, आज फिर लेट करवाएगा, दिमाग खराब कर दिया सही में इसने। पकड़ 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 इसे पकड़। क्या कर रहा है इतने सारे डब्बे, पूरी बरात को मिटाएगा लानी है यार। और खाली डब्बा, अरे होममेड हलवा पूड़ी भर के भेजेंगे ना उनको कंजकों को, तू भी तो आ रहा चिंदी आदमी। चल हेलो, हाँ सिद्धार्थ बोल। सो गाइस वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कुक ऑफ। और आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम हैं नागिन। भाई पंच मारा है, जोक मारा, क्या हो गया गिनोना। सो गाइस मैं क्या बोल रहा था, आज की डिश जो हम ट्राई कर रहे हैं वो है दिल ऑफ दिल्ली, छोले भटूरे। सो गाइस ये हैं पुनीत कोहली यहाँ के हेड, इनसे कुछ बातें करते हैं। तो सर सबसे पहले तो बताओ कितनी पुरानी शॉप है ये। सर ये आउटलेट इज अराउंड 70 इयर्स ओल्ड एंड माय ग्रैंडफादर लेट श्री सीताराम जी स्टार्टेड इट इन फ्रंट ऑफ डीएवी स्कूल। अच्छा। वो पहले एक रेडी लगाया करते थे वहाँ पे, तो जब स्कूल की छुट्टी होती थी उसके बाद वो वहाँ के बच्चों को सर्व करते थे। अच्छा। सो उसके बाद वो इंपीरियल सिनेमा के बाहर उन्होंने रेडी लगाना शुरू की विद द सेम कस्टमर्स एंड विद द सेम क्वालिटी ऑफ द फूड विच ही वाज सर्विंग एट दैट टाइम आल्सो। धीरे धीरे टाइम के साथ हर चीज़ बढ़ती गई। नाउ 2009 में हमने ये आउटलेट ओपन किया था। 2009। अच्छा। सो नाउ 11 साल रनिंग अ गुड प्लेस एंड गुड हाइजीन एंड वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा आपके छोले भटूरे डिफरेंट कैसे हैं दूसरे छोले भटूरे से, मतलब ऐसा क्या डालते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स में? बेसिकली सर लत लग जाती है। फर्स्ट थिंग जो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि ये कस्टमर का प्यार होता है। हाँ। कि इतने दूर से कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास खाना खाने के लिए, हमारा भी एक पर्सनल अटैचमेंट उससे काफ़ी हद तक रहता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक एक्सक्लूसिव बनाती है इस चीज़ को छोले भटूरों को हमारे। एंड सेकेंड थिंग जो मैं मानता हूँ कि एक जो स्पाइसेस का इंग्रेडिएंट है वो डे वन से सेम चल रहा है एंड स्पाइसेस भी जो होते हैं वो सारे हमारे इनहाउस होते हैं, हम लोग बाहर से कुछ परचेज नहीं करते हैं। या अगर कुछ आपको जैसे हमारे शो का कॉन्सेप्ट बता दूँ कि आज हम आपके छोले भटूरे खा के फिर घर जाके अपने फिर सेम छोले भटूरे बनाने का ट्राई करेंगे और बिजनेस टेक ओवर करेंगे आपका। हम गरीब के पेट पे हाथ मार रहे हैं, बहुत साल लगने वाले हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी जिसका सबसे पास क्लोज डिश हुआ वो जीत गया, जो हारेगा वो पनिशमेंट करेगा। बिल्कुल। तो सर अब दो प्लेट एक स्पेशल अपने आप मोल्ड करके एक छोले भटूरे लगा दो। टेस्ट कीजिए और बताइएगा आपको कैसा लगा। अरे डन सर डन, अरे नया फोन ले लिया क्या? तू चमका था नया फोन, मैं ना चमकाऊं? जो दिखाया तो सही। ले यार हाथ साफ कर ले पहले, खुद गंदे हाथों से दे रहा। अबे ये क्या है आयरन मैन? अरे नया नहीं है भाई, स्किन मंगवाई है रैप कार्ड से, अभी तो नॉर्मल स्किन है, कस्टमाइज बनवाएगा अगली बार तेरे भाई। एक से एक डिजाइन है इनके पास, चेकआउट करियो भाई। बट वो ठीक है, अपनी शक्ल मत प्रिंट करवा लियो, दिन खराब जाएगा आसपास वालों का भी दिन खराब जाएगा। फोन रख। यार एक लस्सी दो और पीऊंगा ही पीऊंगा। लस्सी पिएगा? चल एक काम करिए ले, तेरा भाई पिलाएगा तेरा लस्सी आज। ले आ। तूने अपने कार्ड पे भी स्किन चढ़ा रखी है भाई, कहीं भी स्किन चढ़ा सकता तू। पर एक बात सुन, अम्बानी की औलाद पर्ची चलती है यहाँ पे। सो गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे सीताराम छोले भटूरे की तरह छोले भटूरे बनाना। तो सबसे पहले हमने क्या लिया अपने कुकर में? ऑयल। कैसे बता रहा, बेसिक स्टेप है ना इसलिए बड़ा कड़ में बता रहा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तेल में मैं डालूंगा अपनी अनियन की प्योरी। तो गाइस अब हम अनियन अपने रोस्ट करेंगे, इसको बिल्कुल ब्राउन कर लेंगे।
खड़े मसाले डालो, दालचीनी, ये पता नहीं स्टार फिश जैसा कुछ है, इसे क्या बोलते भाई? स्टार अनीस। ठीक है, अनीस का स्टार है। और ये थोड़ा लौंग का गुआचा, थोड़ा सा पेपर। बड़ा मजा आ रहा है करने में। गाइस मैं डालूंगा मैं एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार। सो गाइस आपके अनियन कुछ ऐसे ब्राउन होने चाहिए। अब डालेंगे सूखे मसाले, खड़े मसाले। खड़े मसाले डालते ही सिर्फ एक मिनट के लिए थोड़ा सा भूनना है, उसके बाद आप डाल दोगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। क्या हो गया शीशा देखा? मौत आ गई थी। अच्छा मौत। सो गाइस अब इसमें डाल रहा हूँ मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब डालेंगे इसमें टमाटर, और जैसे ही टमाटर डालेंगे उसके साथ साथ ही डालना सॉल्ट। सो गाइस मैं तो छोले बना रहा हूँ बिना प्याज के, आपको प्याज दिखाने से। क्यों बिना प्याज के? क्यों? क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं भाई। और ये दो दिन पहले जो पंडाल में मच्छी पाट रहा था वो भाई पंडाल का माहौल था, और तुम जैसे दोस्त हो तो खाली क्या हो गया भाई। बट ये बड़ी कंफ्यूजन है मेरे ख्याल से हर इंडियन को होगी। नवरात्र भी चल रहे हैं, दुर्गा पूजा भी चल रही है, नॉनवेज खाएं वेज खाएं, नॉनवेज ना खाएं वेज ही खाएं, आपको भी होती है कंफ्यूजन? कमेंट करके बताना मेरे को नीचे। मेरे को बड़ी होती है ये। मैं अब डाल रहा हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो मैं आपको मसाला दिखाता हूँ अपना, ऑलमोस्ट डन है ये, तेल छूटना स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद मैं आपको एक बार मार्केट सीक्रेट बताऊंगा इन छोलों को एकदम ब्लैक ब्लैक कैसे करें। दो चम्मच शू पॉलिश डालेंगे। अब मैं डालूंगा इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच हमारे हो जाएंगे छोले मसाले। अब इसमें डालेंगे एक टीस्पून धनिया पाउडर, और टू टेबलस्पून डालेंगे इसके अंदर हम चना मसाला, हाफ टी स्पून टेबलस्पून जो सा भी है ये अमचूर, और थोड़ी सी हींग। मसाले डालने के बाद आपको उसको दो मिनट तक भूनना। टाइम टू पुट द छोलास। सो गाइस टाइम आ चुका है कि अब हम चाय का पानी छोलों में डाल लें। तो मैंने दो चम्मच चाय पानी में डाल के उबाल ली थी। ये रहा वो पानी। टिप है जो मैं दे रहा था मार्केट स्ट्रेटजी कि इससे छोले काले हो जाएंगे। तो भाई अब है मेन पार्ट, थोड़ी केमिस्ट्री केमिस्ट्री खेलेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा जो उसके साथ करेगा रिएक्ट। तो भाई अब हो गए हमारा पूरे सारे स्टेप्स खत्म छोलों के। तो हम इस पे लगाएंगे ढक्कन और वेट करेंगे 6 सीटियों तक। तू कैसे बनाएगा भटूरे, गोल या हेक्सागन? देखता हूँ जो बन गए। पलटो गाइस, पहला भटूरा सक्सेस, फुला भी दिया मैंने, देखो आ जा भाई। अब मेरी बारी है यार, प्रेशर बना रहे हैं यार सारे मेरे पे। मेरे पे नहीं बन रहा था, मैंने तो कर दिया भाई, पास हो गया टेस्ट में। पुदीना तो लगा लेता उस पर। अबे यार अभिषेक धीरे क्यों कर रहा था? हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा हो गया हो गया हो गया। भटूरा बन रहा है इसका। पहला भटूरा तैयार है, फाइनल टच अप तड़का लगाने जा रहे हैं, उसके बाद खाएंगे टेस्टिंग करेंगे। तो अब मेरी बारी है तड़का लगाने की। देखने में तो दो ठीक ठाक है। से स्टार्ट करते हैं। भटूरे बहुत टिका हुए हैं यार, इसमें बहुत घी है। दिस एक्चुअली टेस्ट लाइक मटन वाली करी। आई थिंक द मसालाज आर ऑल लाइक दैट।
भटूरे ठंडे हो गए पर टेस्ट इज शीतरम। यार इसके भटूरे तो ठंडे हैं बट दिस डेफिनेटली टेस्ट लाइक सीताराम के द फेमस छोले भटूरे। इसमें कुछ खट्टा बना भटूरे में, इसके छोले बढ़िया हैं, अगर भटूरे गर्म होते वो बढ़िया होते। यार इसके ये भटूरे काफ़ी हार्ड है। आरी चाहिए होगी, आरी की ज़रूरत महसूस कही जा रही है। और ये वाले छोले तो ऐसा लग रहा है कुलचे वाले हो। भटूरा बहुत सख्त है। काफ़ी मोटा भटूरा है ये। द भटूरे आर नॉट दैट ग्रेट ऑनेस्टली, काफ़ी मोटा है बट आई थिंक इफ आई हैव टू रेट आई वुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। हल्का सा मसाला इसमें जल गया और इसमें कंजको वाले चने का भी फील है। इसमें थोड़ा ग्रेवी टाइप की ज़्यादा है बट टेस्ट वाइज लुक में नहीं है, बट टेस्ट वाइज ये वाला ज़्यादा क्लोज है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट है ये वाला। भाई ऐसा क्या बना दिया मैंने? भाई मेरा एक्सपेरिमेंट तो बुरी तरह फेल हो गया, फेंक के मारो जो बड़ा टूट जाए। तुमने इसको कैसे जीतवा दिया बे? तुम्हारा जीतना नहीं बनता था, मुझे लग नहीं रहा है क्या हुआ आज। बट एनी हाउ क्लोज की बात थी तो अभिषेक का ज्यादा क्लोज है। मेरे वाले रेसिपी ट्राई कर लेना अगर खुद अच्छी बना पाओ तो। अबे यार पनिशमेंट तो बता, अब क्या है? चल तेरे को पनिशमेंट बताते हैं। सांता क्लॉज बनना ही पड़ेंगे बेटे। बुलाते लोग प्यार से था सनत मुझे नाम से, हट जावड़ रावण हूं मैं, दशानंद रावण हूं मैं, हट जावड़ रावण हूं मैं, दशानंद रावण हूं मैं। रन तीन मारो भाई साहब। तीन चोरी। यहाँ लगना चाहिए पीठ पे रख के मारो। क्यों पागल? अबे भावुक क्या हो रहा है? भूती के सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, मुंह में मारना है। इस वाले मुंह में मारियो। इसको मजा आ रहा है। चल ठीक है बाय। ये डरा रही है। कैच नहीं करना उसे। नीचे रखो, नीचे रखो, आंखों में चला जाएगा। जोर से मारना है, जोर से। पकड़ यार इसको, यार पैकअप करो, थक गया मैं। चल यार भाई पैकअप तो करो, मगर एक बात बताना, तेरी भाभी के लिए ना यूनिक सी मोबाइल स्क्रीन ऑर्डर करनी है, बट इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं, अब करूं कैसे? हेल्प कर। ये वाला ले ले, वैसे भाभी की चॉइस दुनिया से परे हैं। तो एक काम कर, वेबसाइट पे जा, ठीक है? वेबसाइट पे ना 500 से ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन हैं, वहाँ पे विदाउट हैसल ऑर्डर कर। और भाई पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस भाई, बिल्कुल मतलब तेरे को महंगा पड़ेगा ही नहीं, ठीक है? और देखो कस्टमाइज डिज़ाइन चाहिए हो, जैसे स्क्रीन तेरे को अपनी पिक्चर लगानी हो, अपनी खुद की शक्ल लगानी हो, तो अपनी पिक्चर अपलोड कर वेबसाइट पे और ऑर्डर कर। वो भी सही है यार। सो गाइस आप भी जाओ इन यूनिक स्किन्स में से अपनी स्किन ऑर्डर करो और कस्टमाइज भी कर सकते हो अपना मोबाइल यार, फिर दोस्तों में बैठोगे तो चमकाना। और ज्यादा ज्यादा वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को कमेंट करना मत भूलना, एंड स्टे ट्यून्ड टू लिट फॉर ऑल थिंग्स लिट।